चलो बच्चों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बारह सेवनटीन बी हम कर रहे थे इसके बाद मैं अपलोड करूंगा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल किया मुझसे रिक्वेस्ट की उनका एग्ज़ाम है मंडे को आई थिंक तो मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मंडे से पहले पहले मैं पूरा का पूरा चैप्टर अपलोड कर दूँ तो ये मेरे कुछ क्वेश्चन रह गए थे सेवनटीन्थ बी के इसको खत्म कर लेते हैं जल्दी से बारह तेरह चौदह पंद्रह उसके बाद सेवनटीन सी मैं बाद में कराऊँगा उसके बाद हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चलिए कम्प्लीट दी गिवन मैजिक स्क्वायर सो डेट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो रो किसको बोलते हैं इसको ये हमारी रो है ऐसी होती है रो ऐसी ठीक है और इन ईच कॉलम ये कॉलम होती है तो ऐसे सीधे खड़ी लाइन होती है कॉलम होती है ठीक है और अलॉन्ग ईच डाइगनल डाइगनल क्या होती है ये ऐसे ये डाइगनल होती है डाइगनल ऐसे इसको डायगनल बोलते हैं ठीक है फिफ्टीन तो पंद्रह में लाना है ठीक है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये इसमें कुछ है नहीं ठीक है क्या करना है देखो हमें पंद्रह बनाना है जो पहले बन रहा है उसको बना लो आठ छः आठ और छः कितने होते हैं चौदह पंद्रह बनाना है तो यहाँ पे एक डाल दो ये ये वन ये लीजिए वन आ गया पंद्रह हो गया अब पाँच और एक छः होते हैं पंद्रह बनाना है तो यहाँ पे क्या डाल दें कि हमारा पंद्रह आ जाए पाँच और एक छः तो हम डाल देंगे यहाँ पे नौ नौ और छः होते हैं पंद्रह नौ आ गया ठीक है नौ दो ग्यारह ग्यारह और चार पंद्रह आठ चार बारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तीन पंद्रह पाँच और तीन आठ आठ छः चौदह सात पंद्रह सिंपल कुछ नहीं था बस आपने डाल दिया करके देख लो नौ चौदह नौ सॉरी नौ तेरह चौदह पंद्रह पाँच छः सात आठ आठ छः चौदह पंद्रह आठ छः चौदह पंद्रह ऐसे कर लो आठ छः बारह तेरह चौदह पंद्रह नौ दस पंद्रह सात आठ नौ पंद्रह हो गया ऐसे कर लो आठ दो दस पंद्रह छः चौदह दस पंद्रह हो गया ठीक है इस पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे कंप्लीट करना है फोर बाय फोर का मैजिक स्क्वायर है क्या मैजिक स्क्वायर है कुछ मैजिक नहीं है इसमें भाई सच डेट एवरी रो कॉलम एंड डायगनल एडाप्टू एड अप टू सम थर्टी फोर थर्टी फोर करना है देखो कितना सिंपल है जिसमें तीन दिए हुए हैं उसको देखो कितना है दस बीस ठीक है दस बीस आठ और दो तीस तैंतीस कितना हो गया थर्टी थ्री हो गया कितना चाहिए थर्टी फोर चाहिए तो वन डाल दो ठीक है यहाँ पर मैं वन डाल दिया ये मेरा वन है अच्छा अब देखिए अब ये हो गया अब देखो इसमें तीन है अब इसमें डाल देते हैं पंद्रह सोलह चार बीस बीस और सॉरी नॉट थर्टी थ्री कन्फ्यूज़ हो गया इसको हटाओ हाँ पंद्रह और ये क्या कहाँ गया पंद्रह सोलह बीस थर्ट, चौदह थर्टी फोर चाहिए ना तो बीस हो गया और चौदह और लगा दो ठीक है आप क्या अब देखिए ये तीन हो गए इसमें लगा दो सात चौदह और छः बीस इक्कीस इक्कीस बीस देखो चौदह और सात कितने चौदह और सात हमारे कितने हो गए इक्कीस इक्कीस और दस कितने हो गए थर्टी वन और वन पहले से थर्टी टू तो बच्चा यहाँ पे टू ठीक है अब कौन सा रह गया हमारा हमारा रह गया बच्चों ये वाला एक दो तीन तीन हो गए ठीक है ग्यारह और आठ उन्नीस उन्नीस और पाँच चौबीस चौबीस में कितना प्लस करूँगी थर्टी फोर हो जाए सिंपल है चौबीस में हम दस प्लस कर देंगे अब ये देखिए दस बीस पच्चीस अट्ठाईस ठीक है उनतीस तीस और छः अट्ठाईस और छः होते हैं चौंतीस ठीक है बारह और छः अठारह उन्नीस बीस पच्चीस पच्चीस है चौंतीस में पच्चीस हजार तो मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है बच्चों नौ कितना आएगा नौ आएगा अब देखिए कौन सा रह गया अब हमारा रह गया ये वाला रह गया ये वाला तो नौ और पाँच कितने हो गए अच्छा पाँच आठ नौ 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 अठारह अठारह में क्या प्लस करोगे चौतीस आते हैं अठारह और अठारह कितने होते हैं बच्ची और अठारह अठारह तो ज़्यादा होते हैं बच्चे तो अठारह में क्या प्लस करें करके देख लेते हैं भाई चौदह में चार के बच्चे हैं छः सोलह सोलह ठीक है अब देखो क्या सबका आ रहा है हमारा बिल्कुल आ रहा है देखो आ, दस पंद्रह सोलह सोलह चार बीस और चौदह चौंतीस ठीक है इसको देखिए इस पर भी बिल्कुल हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है सबको ऐडअप करके देख लीजिए ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कैसे भी कर लो आंसर आपका आएगा थर्टी फोर तो मेरे दोनों क्वेश्चन हो गए कंप्लीट अगला करेंगे हम फोर्टीन एंड फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए कुछ नहीं है बच्चे वाला क्वेश्चन है ये कंप्लीट दी पैटर्न पैटर्न दिया हुआ है कंप्लीट करना है इसका आंसर नहीं दिया हुआ है यहाँ पर डॉट डॉट या फिर ऐसे डा, लाइन डाल देंगे तो ये पैटर्न हमें कंप्लीट करना है देखो आखिरी में चार 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 सब में आखिरी में चार है ठीक है अच्छा तीन इसमें दो बार तीन आ गया तीन बार तीन आ गया चार बार तीन आ गया ठीक है अब ये देखिए आखिरी में चार था यह आया सोलह थ्री फोर का स्क्वायर कितना है वन वन, वन फाइव सिक्स इसका ये इसका ये इसका ये क्या फर्क है देखो एक फिर दो बार एक फिर तीन बार एक फिर चार बार एक है ना देखो एक बार एक दो बार एक तीन बार एक चार बार एक तो एक दो तीन चार पाँच यहां पे आएगा पाँच बार एक अच्छा यहां पे पाँच नहीं है ठीक है एक बार पाँच दो बार पाँच तीन बार पाँच चार बार पाँच एक दो तीन चार छः एक बार एक बार एक बार एक बार तो एक बार आ जाएगा ये मेरा आंसर हो गया क्या था इसमें कुछ भी नहीं था चलिए इसको भी रब करते हैं नंबर फिफ्टीन देखिए ऑब्जर्व पैटर्न एंड फाइंड द वैल्यू ठीक है, है? ये पैटर्न है इसको हमें ऑब्जर्व करना है अच्छे से और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो एक बार नौ no, दो बार नौ तीन बार नौ हमें ये निकालना है तो चार बार नौ है एक दो तीन चार अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है वन एक दो तीन वन इसका हमें आंसर निकालना है ध्यान दो एक बार नौ था दो बार आया नौ दो बार था चार बार आया ठीक है तीन बार था छः बार आया तो इसके अकॉर्डिंग अगर चार बार है तो कितनी बार आएगा आठ बार आएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ कितनी बार आएगा बच्चों आठ बार आएगा अब ये देखिए ये ग्यारह था यहाँ पे ग्यारह के बीच में एक जीरो आ गया ग्यारह के बीच में दो ज़ीरो आ गए ग्यारह के बीच में तीन जीरो आ गए मगर चेंज नहीं आया जब ग्यारह के बीच में जीरो नहीं था तब भी इसका डबल ग्यारह के बीच में एक बार ज़ीरो आया इसमें कोई फर्क नहीं आया दो थे चार रहे ग्यारह के बीच में दो जीरो आ गए तीन थे छः हो गए ग्यारह के बीच में ग्यारह के बीच में तीन जीरो आ गए चार थे आठ हो गए ठीक है तो मेरी ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट इसके बाद हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ ठीक है जी कौन सा चैप्टर है यह है हमारा चैप्टर नंबर लैंग्वेज नंबर तो हमारा ये था चैप्टर नंबर सिक्सटीन है या इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स ठीक है चलिए